जय दोस्तों, सबसे पहले आपको 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां दिल से। राष्ट्र जो है वो बहुत ज़ोर शोर से ये अपना पर्व जो है वो मना रहा है। हमारे जो पीएम है, माननीय प्रधानमंत्री है, जो वो देश को जो है वो संबोधित कर रहे हैं, तो मेरी भी गुजारिश आपसे ये है कि आप भी जिस प्रकार से जो हमारे देश के जो सिपाही है वो देश की सेवा करते हैं, वो जज्बे जो है वो देश की सेवा करने के आप लोगों ने भी ठाने हुए, लेकिन आपका तरीका जो है वो एक क्रिकेटर बनती है, तो आप ये सुनिश्चित करें कि मेरी जो रिक्वेस्ट है आपसे वो आप जरूर आप कोशिश ये करें कि आप हर चीज़ को बहुत गंभीरता से लें, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से लें। और आपको ये लगना चाहिए कि यार अगर मैं ये चीज़ नहीं सीख रहा हूँ, ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा नुकसान है। कहीं ना कहीं मेरे जो ऑब्जेक्ट हैं, जो मेरा अल्टीमेट गोल है उनको प्राप्त करने के अंदर ये कहीं ना कहीं जो मेरी कमी रहेगी तो वो मेरे लिए बाधक होगी। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मैंने आपसे कल बात करना स्टार्ट किया था कि आपकी जो इस खेल के दौरान जो आपको इंजरीज आती है उसके बारे में मैंने बताना स्टार्ट किया था। कल मैंने आपको बताया था कि लिगामेंटल जो प्रॉब्लम आती है उसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। ACL यानी एक बड़ी एक इंजरी डेवलप हो जाती है अगर आपके फॉल्टी बॉलिंग एक्शन है या ओवर यूज ऑफ मसल्स हैं, तो वो जो है या प्रिपरेशन आपकी प्रॉपर नहीं है, तो उस वजह से जो है वो आपको वो जो इंजरी है वो डेवलप होती है। 4 लिगामेंट्स की मैंने आपको बात बताई थी कल, जो ACL है और जो पोस्टीरियर लिगामेंट है या मेडियल है और लेटरल है, तो इनके बारे में कल मैंने आपसे बात की थी। आज मैं वहीं पर ही जो नी के अंदर जो प्रॉब्लम आपको डेवलप होती है, एक तो ये प्रॉब्लम आपको डेवलप होती है अगर आपके एक्शंस ठीक नहीं, या इंजरी अगर आपको कोई हो जाती है, टक्कर हो जाती है, तो वो आपको तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा और आपका कैरियर जो है वो समाप्त हो सकता है। कल मैंने आपको गाइड किया था कि आप जो है वो अपने घुटनों को बहुत तंदुरुस्त रखें, बहुत ही स्वस्थ रखने की कोशिश करें, इसीलिए एक्शंस जो है वो आपके प्रॉपर होने चाहिए, इसीलिए आप बायोमैकेनिकली करेक्ट बोलिंग एक्शन के साथ में होनी चाहिए। इसीलिए BCCI जो है वो इंप्रेस करती है कि आप जो है वो बायोमैकेनिक सीखे, जो BCCI का लेवल B है उसके अंदर पूरी जो है वो इस स्टडी को, इस साइंस को बताया जाता है। साइंस ऑफ बायोमैकेनिक्स, इसकी डिटेल जो है वो आपको लेवल C के अंदर बताई जाती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आपको मैं जो है एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की तरह से लेके चल रहा हूँ। सारे जितने भी बच्चे जो मेरी वीडियोज को देखते हैं, आपको प्रोफेशनल बनना ही बनना है। आपको अपना प्रोफेशनल इन द सेंस कि आप फोकस्ड हैं, आप जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आप जो है वो लगातार जो है वो अपने वर्क को कर रहे हैं, चाहे वो आपका फिटनेस का वर्क है, चाहे वो आपका टेक्निकल वर्क है, टेक्टिकल वर्क है, आपका जो इंटेलिजेंट क्वालिटीज है उसको इम्प्रूव करने का वर्क है, वो सब आप लगातार कर रहे हैं। आज मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही और एक प्रॉब्लम जनरेट होती है जो गलत बॉलिंग एक्शन की वजह से होती है, टक्कर की वजह से, स्लाइडिंग डाइविंग की वजह से आपको तकलीफ डेवलप होती है घुटने के अंदर, वो है वो कौन सी बीमारी है, वो तकलीफ कौन सी है घुटने के अंदर दर्द। वैसे भी मैं लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि वैसे भी आपको जो है वो अगर घुटने के अंदर दर्द होता है तो वो आप समझ लीजिए ज़्यादातर जो दर्द होता है वो होता है जो फाइब्रस कार्टिलेज होती है उसके अंदर जो है वो आपको दर्द होता है, जो गद्दी होती है, जो एक पतली हड्डी होती है, गद्दी जैसी होती है, वो जो दो बोन के बीच में जो है आपकी फीमर और जो टीबिया फिबला है उसके बीच में जो वो गद्दी होती है, तो वो एक शॉक और एक कुशन जैसी होती है, तो वो आपके शॉक ऑब्जर्वर्स इस प्रकार से जो है वैसा वो काम करती है, तो वहाँ पर जो है वो तकलीफ आपको होती है, तो वो तकलीफ जो है वो ऐसे नहीं हो जाती है खिलाड़ी का जो है वो कैरियर तक समाप्त हो जाता है, या व्यक्ति जो चल रहे होते हैं उनकी जो है वो उनकी नेचुरल वॉक नहीं रहती, उनकी नेचुरल रनिंग नहीं रहती है, इसलिए आप जो है वो उस मेनिस्कस इंजरी को लेकर आपको बहुत जानना आवश्यक है। और वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप करेक्ट बोलिंग एक्शन रखें, और इंजरी जब ऑकर होती है तो आप जो है उसको सीरियसली डॉक्टर के पास में जाएं और डॉक्टर से रिक्वेस्ट करें कि आपको वो बहुत सीरियसली लें, क्योंकि आपका कैरियर जो है वो जुड़ा हुआ, चाहे बैटर हैं, चाहे बॉलर हैं, तो या विकेट कीपर हैं, तो आप जो है वो इस इंजरी को इग्नोर ना करें। अगर आपको जो है वो डॉक्टर जो है दवाइयों के थ्रू सही करते तो लगभग आप ये मानना कि करीब 1.5 महीने करीब लग जाता है, लेकिन अगर आपका ऑपरेशन होता है अगर उस गद्दी में जो टिश्यूज़ हैं वो अगर वो चेंज करने होते हैं, या उनके लिए कुछ और डॉक्टर जो है जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं वो अगर आपको एडवाइस करते हैं, तो आपको लगभग ये मानिए कि 2 महीने तक आपको जो है वो उस इंजरी को सही करने के अंदर लग सकते हैं। इसीलिए रिक्वेस्ट ये है कि आप बिल्कुल दुरुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, अपने घुटनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, वहाँ इंजरी
इंजरी, अगर छोटी सी भी इंजरी आती है, यू प्लीज टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। वंस अगेन आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।